हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं फर्स्ट टाइम पिज्ज़ा खाने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम पिज्ज़ा आज मैं खाऊंगा। देखते हैं पिज्ज़ा कैसा होता है और पिज्ज़ा खाने के बाद हमें कैसा महसूस होता है, हम ये भी आपको बताएंगे। तो अभी शाम हो चुकी है और अभी 5:30 बज रहे हैं और अभी मैं चलता हूँ पैदल पैदल। सो फ्रेंड्स, आई एम इन द हाफ वे। इसके बाद अभी थोड़ी देर में पहुंचता ही हूँ मैं अपनी लोकेशन में। अभी मैं यहाँ के बस अड्डे में हूँ। यहाँ से बस जर्मनी से लेकर सारे दुनिया के हर हिस्से में जाती है। चलो तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं भाई, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ये देखो बापू। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच गया हूँ। 7 Cheese Pizza इसका नाम है। और अभी यहीं पे जाते हैं, देखते हैं। आज लग रहा है काफी भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोकेशन में आ गए जाने। पिज्जा का प्लान तो कैंसिल हो गया है, बहुत हल्ला हो रहा था वहाँ पे, काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, प्लस मजा नहीं आ रहा था मतलब। तो अभी मैं यहाँ पे जलेबी खाने के लिए भी आ गया हूँ। ये बाजार की फेमस जलेबी में से एक है। इसकी खासियत ये है कि बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम फ्लफी। अच्छा है। चटनी नहीं है तो एक मैंने समोसा मंगाया। वैसे पहले लोग समोसा मंगाते हैं उसके बाद जलेबी मंगाते हैं, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया है। मैं यहीं पे, यहीं तो है हमारे रामिल जोशी, यूट्यूब चैनल है हमारा, आप सब्सक्राइब कर लेना। क्या नाम, किस नाम से है? रामिल जोशी नाम से ही है। रामिल जोशी, हाँ। पढ़ाई क्या करते हो ब्रदर? मैंने मीडिया की पढ़ाई करी है। अच्छा, मास कम्युनिकेशन से? हाँ। कहाँ से किया? पुणे से। अभी क्या कर रहा हूँ फिलहाल? अभी तो यही कर रहा है, फिर मैं वापस आ गया था। आज तक मैं इंटर्नशिप कर रही थी, उसके बाद वापस आ गया था। आज तक मैं हो गया था आपका? आज तक मैं हुआ नहीं हुआ? हाँ, इंटर्नशिप में हो गया था। फिर मैं यहीं आ गया, फिर एक साल से ये बना रहा हूँ अपना खुद का। कितने व्यू है अभी? कितने व्यू मिल गए इसमें? 165 सब्सक्राइबर है अभी, तो 1000 बनाने हैं मेरे को। 1000 मिल जाएंगे तो? 1000 हो जाएंगे, उसके बाद अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। चलो बढ़िया है। उधर क्या बनाते हो ऐसा? हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं, फूड, ट्रैवल, पॉलिटिक्स। वो अभी आजकल जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपसे ही पूछते हैं कौन सी, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतने वाली है? नहीं, बोल सकते हो ऐसे कुछ नहीं, बनी रहो। क्या लगता है मतलब? चेहरा नहीं बना ना दिखाने लायक। अरे चेहरा तो, चेहरे से क्या होता है, विचार होने चाहिए ना। चेहरे से क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है उत्तराखंड में? कांग्रेस पार्टी आएगी इस बार। कांग्रेस आ रही ना इस बार, क्योंकि उत्तराखंड के लोग, क्योंकि उनसे शायद उनसे खुश नहीं है। बीजेपी ने क्या किया, 5 साल में एक व्यक्ति नहीं निकाली नौजवानों के लिए। खाकी वर्दी पहनने का हमारे जो नौजवान युवाओं का शौक होता है, एक वर्दी पहनने की जो जलवा होता है, 5 सालों में एक वैकेंसी नहीं आई। जरूर एक विकास कार्य जरूर हुआ, वर्दी युवाओं के लिए रोजगार तो नहीं मिला, नौजवानों के लिए पुलिस की भर्ती तो नहीं आई, बट मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जरूर हुई। तो इस बार मतलब कांग्रेस का आना कन्फर्म है, आएगी कांग्रेस की सरकार। ये आम आदमी पार्टी के क्या चांस है? आम आदमी पार्टी 1-2 सीटें ला सकती है, ज्यादा नहीं उत्तराखंड में।
अपने क्षेत्र अपने जैसे हम चंपावत के हैं तो चंपावत का कौन से कौन जीत रहा है? यहाँ से हमारे पूर्व विधायक माननीय हनी सरकार जी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और मदन सिंह महर, मदन सिंह महर जी हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, मैं यूबीसी के अकाउंटर का बड़ा हूँ, वहाँ के हम सबसे शैतान बच्चों में से थे। मतलब हम उनको हम ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब में डालना चाह रहा हूँ आपको। हाँ यूट्यूब, हाँ अरे वाह ये तो बढ़िया है यार, किसके लिए मिल रहे हैं? अच्छा आपके लिए है, एक मिनट, एक ये क्या आइटम है? टिक्की है, टिक्की। एक प्लेट लगा दो मेरे लिए, छोले टिक्की। ये तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, अभी ट्रेंडिंग में है। कौन एक मिले भी लगा दो यार, एक इनके लिए भी ले आओ तो। एक हाफ फुल 20 की वहाँ बाहर से लाया ना ये। अच्छा फुल लगा दो 30 की यार, इनके लिए यार, इनके लिए 30 रुपए मैं दे, मैं आपको दे दूँगा। हाँ मैं दे दे रहा हूँ, आप मुझे दे। तो भैया का कहना है कि उस दर्शन में कांग्रेस जीतने वाली है, आपको क्या लगता है? एक बार यहाँ पे आओ यहाँ से, मतलब आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? भैया कह रहा है कांग्रेस की बन रही है। मैं तो कह रहा हूँ इस बार फेरबदल होना जरूरी है, मतलब चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज तो होना ही होना है, चेंज होगा तो कांग्रेस की आएगी। हाँ कांग्रेस ही आएगी, पार्टी भी, राष्ट्रीय पार्टी भी कांग्रेस। और कौन मुख्यमंत्री बनेगा फिर? मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बन सकते हैं, मतलब वही है, फेर होना जरूरी है, सरकार का बहुत बदलना जरूरी है। 10 साल क्या मांग रहे हैं यार? इसका मतलब दोस्तों उत्तराखंड में बदलाव की लहर है और यहाँ पर कौन से थे, कौन से हैं? मिक्स से दे दे यार, 120 रुपए काट देना। यहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री मोदी जैसे जो भाषण देने वाले हैं, तनखा लूँ उसके बाद मेरा ना। अच्छा कोई नहीं, तो मैंने अभी कहते हैं जलेबी खाई है और समोसा खाया है, उसके बाद अभी मैं छोले और टिक्की खाऊंगा, उसके बाद चलेंगे हम। वैसे मेरा पिज्जा खाने का प्लान था लेकिन यहाँ पे मैं वहाँ गया, आपको बताइए वहाँ बहुत हल्ला शोर शराबा हो रहा था, तो आज शूट करने लायक माहौल नहीं था और साथ में मेरे दोस्त भी नहीं थे जो आने वाले थे, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो अभी हमने बढ़िया समोसे जलेबी खाया, छोले टिक्की खाते हैं, छोले टिक्की आ रहे हैं। तो भैया तो कह रहे हैं, भैया तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है उत्तराखंड में, अब इनको क्या पता, हम तो कट्टर भाजपा की सपोर्टर हैं। अब मैं यहाँ पे इस तरफ तो आ गया हूँ छोले टिक्की खाने के लिए। छोले टिक्की वाले आपसे कहा था क्या छोले टिक्की के लिए? हाँ हाँ मैं यही खा लूंगा फिर, यही। हाँ यही खा लूंगा, पैसे दे दिए मैंने उनको। दे दिए आपने इनको? दे दिए होंगे ना। ठीक है तो अब हम छोले टिक्की की दुकान में आ गए हैं, छोले टिक्की है ना? हाँ दो टिक्की खाएंगे। चलो चलो हाँ तुम जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भैया कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं, जाओ तुम, उत्तराखंड में कांग्रेस जीतने वाली है। आपको क्या लग रहा है? अरे आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड में कौन जीतने वाला है, क्या लगता है? आप अपने राजनीतिक विचार प्रकट में क्यों डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट, हमारे तो सारे घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फेसबुक में उल्टा पुल्टा डालते रहते हैं। आप थोड़ी हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप बताओ उत्तराखंड में कौन जीत रहा है? भी वो भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली है, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, तो आप बताओ आप, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी? ये यूट्यूब चैनल है, नहीं आएगी, वेरी गुड। किसका लगता है यहाँ चंपावत में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला है? नहीं होगा, तो कौन कौन आएगा क्या लगता है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ही आएगी उत्तराखंड में। आप किसको सपोर्ट करते हो? कांग्रेस। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आने वाली है। ब्लॉग में आते हो? हैं ये ब्लॉग में है ना? अरे पहले क्या हुआ, मैं पिज्जा का ब्लॉग बनाने वाला था, बहुत हल्ला हो रहा था वहाँ, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर ऐसे फिर इधर आया, ये पूरा ब्लॉग में आएगा आज।
तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तराखंड में हमारे चंपावत शहर में कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए और वो कुछ काम करने की सोचे, सारे नेताओं से हटके वोट जीते, सारे युवाओं को एक करे, ऐसा कुछ नहीं सोचा है यहाँ के लोग ने। क्या मतलब कोई ऐसा जो नेता आए जो ना कांग्रेस का हो ना बीजेपी का हो ना आम आदमी पार्टी का हो, निर्दलीय खड़ा हो जाए मतलब। और मेरा है आम आदमी पार्टी जीत सकती है यहाँ पे ना, कांग्रेस सरकारी है, कांग्रेस की आएगी। तो दोस्तों अब हम टिकिया खाएंगे, तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है उत्तराखंड में। नहीं आएगी है वो क्या कह रहे हैं, आप बताओ भैया आप क्या आपके कहना चाह रहे हो। ये छोले टिक्की वाले भैया कुछ बोलेंगे आप, क्या आप बताओ फिर मैं ये खाता हूँ। किस नाम से यूट्यूब चैनल? रामिल जोशी। क्या कर रहे हो बताओ भाई, कौन कौन जीतने वाला है? बिजी है वो। RAMIL जोशी, टेस्ट करके जोशी लिखो, JOSHI आ गया। नहीं नहीं ये तो रोमिल है, रोमिल है ये तो, RAMIL ठाकुर पा के हो गया बंद करो बंद है ये वाला है। तो दोस्तों टिक्की छोले आ चुके हैं, अब हम राजनीति पॉलिटिक्स से हटके टिक्की छोले का आनंद उठाएंगे क्योंकि ये यहाँ की फेमस टिक्की छोले हैं बाजार में। आज हमारा प्लान कुछ और ही करने का था और कुछ और ही हो गया, हर रोज की तरह अनप्लान्ड फर्स्ट बाइट। बढ़िया है, पिज्जा से तो 10 गुना बेटर है यार। बाजार का व्यू देख रहे दोस्तों। बात कुछ ऐसी है, अभी यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल तो बन चुका है अच्छे से, और जो भी है अभी मैं चीज़ का पैकेट ले जा रहा हूँ, चीज़ के साथ हम बन खाएंगे। तो अभी मैं गुलाब जामुन खाने के लिए आ गया हूँ तिवारी होटल में। गुलाब जामुन है क्या भैया? गुलाब जामुन है। कितने के एक प्लेट? एक पीस 15 रुपये का है प्लेट का। एक पीस 15 रुपये का है एक प्लेट, मतलब कितना बड़ा है? कितना बड़ा होता है आपका? कितना बड़ा? पहले दो लगा लो, पहले दो लगा लो। नहीं यहाँ पर गर्म तो गर्म नहीं है, ठंडे होते हैं। ठंडे कर लो, गर्म कर दो, गर्म कर दोगे ना इसमें करेंगे क्या, इसमें अच्छी तरह हो नहीं पाएगा, आप अंदर तक नहीं होगा। ये होटल का नजारा। तो अभी मैंने गुलाब जामुन मंगाए हैं और मैं जहाँ बैठा हूँ मैंने सुना है कि यहाँ पे बाघ आया है, हमारे क्षेत्र में बाघ आया है, और अभी मैं बाघ के साथ ही बैठा हूँ, देखो पीछे। तो अभी गुलाब जामुन आएंगे, गुलाब जामुन खा के मैं घर को चले जाऊंगा आज की वीडियो में फिर, क्योंकि हम पिज्जा खाने गए थे फिर घुमा फिरा कर कहानी बहुत आगे तक पहुंच गई। तो गुलाब जामुन खाने के बाद सीधा हम घर को जाएंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब जामुन कैसे हैं। तो दोस्तों गुलाब जामुन आ गए हैं, देखने में तो आज ही गुलाब जामुन बीमार लग रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो मैंने खाए थे फर्स्ट टाइम बढ़िया था, लेकिन अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसे। टेस्ट करके बताते हैं आपको गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है। 15 का एक पीस है, ठीक है, मतलब
जो मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे यहाँ पे वो ज्यादा अच्छा था हमारी पहली वीडियो में आपको जो दिखेगा। ठीक है, ये इसको पी लेते हैं छाछनी को। तो अपने गुलाब जामुन फिनिश हो गए हैं, मैं फटाफट में घर जाता हूँ, काफी लेट हो रहा है। गुलाब जामुन कितने का हुआ? तो गुलाब जामुन कितने के हुए? पिछली बार मैंने खाए थे ना तो बढ़िया हो रहे थे यार, आज कुछ अलग हो रहे हैं, ताजा नहीं थे शायद है? वो कह रहे थे ऐसा ताजा नहीं। अच्छा, गरम करने में तो वो होता ना, जो उनका वो होता। ताजा कब बनता है? ताजा कल तो बन जाएगा। अच्छा, कल बन जाएगा। किस टाइम बनते हैं मतलब ताजा? सुबह क्या दिन में? सुबह के टाइम बनते हैं। तो दोस्तों मैंने गुलाब जामुन खा लिए हैं। क्या बैक करो? लास्ट में एक है, बैक कर लो, पूरा कट जाने ना, कट लो उतना ही आ रहा। आज जैसे हमने कुछ लोगों से सवाल पूछे ना, अभी इलेक्शन होने वाले हैं कि कौन जीत रहा है यहाँ पे, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, कुछ कह रही है बीजेपी जीत रहे हैं, तो आप बताओ कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? आप बता दो कौन जीतने वाला है। मैं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो खैर लेकिन नहीं, कौन बीजेपी जीतेगा कांग्रेस जीतेगी? चंपावत में तो वैसे तो जो मतलब उम्मीदवार होगा उसी के उससे वैसे बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है कांग्रेस आ रही है? क्या पता है बीजेपी और कांग्रेस इसके बारे में पता नहीं है। पता नहीं है उनकी पार्टी बनाई पड़ी है। आप किससे प्रभावित हो? मैं तो किसी से प्रभावित नहीं नहीं है। कुछ तो होगा, तभी बाहर तो लोग बता रहे थे आप डर रहे हो, बाहर वाले डर नहीं रहे, आप डर रहे हो बताने में। क्या कर रहे हैं मतलब किसी से? क्या बाहर तो सीधे सीधे बता रहे हैं, कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे, बीजेपी वाले बता रहे हैं बीजेपी को देंगे। देखेंगे चुनाव के टाइम में क्या होता है, उसी समय बताएंगे फिर। चलो ठीक है, ये कह रहे हैं चुनाव के नेता ने काम कर रखा उसी तरह से बताएंगे हम। ठीक है, पीछे तो मोदी जी की तस्वीर लगी है, तो आप मोदी जी को के सबको सपोर्ट नहीं करते क्या? हम तो करते हैं, करते हो? मोदी जी को सपोर्ट करेंगे ना, और करेंगे। आप करते हो? मसाला चिकन इसके तो बहुत बकचोदी हो गई है, फटाफट भाग के चलते हैं घर को क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, और 6:30 बज गए हैं। यहाँ पे 6:30 बजते बजते दुकान बंद होना शुरू हो जाती है और पूरा मार्केट सबासठ। एक भैया ने लाइन बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कैमरे पे नहीं गई, उन्होंने कहा कि मोदी जी से क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को भी तो कुछ होना चाहिए। तो वही स्थिति मेरे को भी यहाँ पे दिख रही है, जो आने वाली पीढ़ी है उतना एक्टिव नहीं है, इसीलिए अब हमको लगता है बाघ बनना पड़ेगा। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूं। हाँ, देखते हैं यहाँ के सीने। तो यहाँ बाघ हैं बहुत सारे, तो इनके जैसा बाघ बनना पड़ेगा हमको।
हमने जो बाघ पाले हुए हैं उनको खाना खिला देता हूँ, नहीं तो ये मेरे को खा जाते हैं। यह है टूना मछली, इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसको खा के आपके अंदर फुर्ती आ जाएगी। एक मैं भी ट्राई करता हूं, आज जब हमने इतना पागलपन कर लिया है तो एक और सही। हमें तो लगता है कि बाथरूम में उल्टी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको अगर आज का वीडियो ब्लॉग पसंद आया तो जो भी है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कंटिन्यूअस कभी भी हमारे वीडियो आ सकते हैं। और कुछ डिलीट हो गए हैं पुराने वीडियो, आप में से किसी के पास हो तो मेरे को भेज देना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आज हमारा प्लान कुछ और ही करने का था और कुछ और ही हो गया, हर रोज की तरह अनप्लान फर्स्ट बाइट। बढ़िया है, पिज्जा से तो 10 गुना बेटर है यार। और ये बाजार का व्यू देख रहे हैं, आप